अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री रहे वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा को बीजेपी ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष के लिए नड्डा के नाम पर मोहर लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ सुषमा स्वराज ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर नड्डा को नई पारी की बधाई दी। का ही आग्रह था कि नहीं, हमारी व्यस्तता इतनी अधिक रहेगी कि मैं ईमानदारी से अपने इस दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए पूरे संसदीय बोर्ड ने मिलजुल कर यह फैसला किया है कि अब श्री जगत प्रकाश जी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। मोदी सरकार की दूसरी पारी में अमित शाह को गृहमंत्री बनाए जाने के बाद से ही बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का बाजार तेज था। पिछली बार मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे जेपी नड्डा को जब इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, तभी से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि उन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो इसकी पुष्टि भी हो गई। जेपी नड्डा को इसीलिए पसंद किया गया है क्योंकि वो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के काफ़ी करीबी भी बताए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पीएम मोदी के भी करीबी बताए जाते हैं। पिछली सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री का काम संभाल चुके हैं। इस चुनाव में वो यूपी के, उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी थे और उनके नेतृत्व में फिर एक बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 59 साल के जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। 2019 के चुनाव में जेपी नड्डा को यूपी का प्रभारी बनाया गया। उनकी अगुवाई में बीजेपी ने यूपी में 62 सीटें जीती। नड्डा हिमाचल प्रदेश में विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की सफलता का श्रेय भी नड्डा को दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि जेपी नड्डा पार्टी के परिश्रमी कार्यकर्ता हैं जो अपनी मेहनत और संगठनात्मक कौशल के बूते इस ओहदे पर पहुंचे हैं। वो विनम्र और मिलनसार हैं। पूरे बीजेपी परिवार में उनका सम्मान है। पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई। नड्डा को काफी हद तक अमित शाह की तरह ही चुनाव प्रबंधन की रणनीति में माहिर माना जाता है। अमित शाह ने 2019 में पार्टी के लिए हर सीट पर 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा था। नड्डा ने यूपी में पार्टी को 49.6% वोट दिलाने का करिश्मा कर दिखाया। जब से नड्डा जी ने होश संभाला है, संगठन के काम के लिए अपने आप को समर्पित किया है, विद्यार्थी परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी हो, युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं उनका महामंत्री था। उन्होंने संगठन को सदैव आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित किया है और पूरा विश्वास है कि नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयां छुएगी। मूल रूप से हिमाचल के रहने वाले जेपी नड्डा का जन्म 2 दिसंबर 1960 को पटना में हुआ। पटना यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। युवा अवस्था में जेपी आंदोलन में सक्रिय रूप से शरीक हुए। इसके बाद वो एबीवीपी से जुड़ गए। 1989 में उन्हें एबीवीपी का राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया गया। 1991 और 1993 में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। 1993 में पहली बार हिमाचल प्रदेश से विधायक चुने गए। 1994 से 1998 तक जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पार्टी के नेता रहे। 1998 में दोबारा विधायक चुने जाने के बाद उन्हें स्वास्थ्य और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। 2007 में विधायक चुने जाने के बाद नड्डा को हिमाचल प्रदेश में वन पर्यावरण के साथ विज्ञान और तकनीक मंत्री का प्रभार सौंपा गया। 2010 में नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। इस दौरान वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी समेत कई राज्यों के प्रभारी और चुनाव प्रभारी रहे। इसके बाद 2012 में वो राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए। 2014 में बीजेपी संसदीय समिति के सचिव नियुक्त किए गए। 2014 से 2019 तक उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। दाजी के सूझबूझ और उनकी अपनी पुरानी संगठन की पहचान पूरे देश भर में, वो युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं तो देश की जानकारी, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं तो नड्डा जी का पुराना संगठन से नाता है और प्रगाढ़ नाता है, लगातार जीवंत बना हुआ है, तो सब कुछ अच्छा होगा। हालांकि दिसंबर तक अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे क्योंकि आने वाले 6-7 महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें से दिल्ली को छोड़ महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड ऐसे 3 राज्य हैं जहां बीजेपी खुद सत्ता में है और उसे सत्ता विरोधी माहौल के बीच चुनाव में जीत हासिल करने की चुनौती होगी। नड्डा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इन 3 राज्यों में बीजेपी की सत्ता पर पकड़ बनाए रखने का होगा। अमित शाह ने अपने कार्यकाल में बीजेपी को जिस मुकाम पर पहुंचाया, उसे बनाए रखना और एनडीए में शामिल दूसरे दलों के साथ तालमेल कायम रखना अगले अध्यक्ष के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।